मरे हुए भी जीवित कर देता है। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी शिवलिंग के बारे में जहां मरे हुए व्यक्ति भी हो जाते हैं जीवित। सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन ये सच है। वैसे तो भारत में हर दिन हर जगह कुछ न कुछ चमत्कार होते रहते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि मृत्यु के बाद भी लोग जीवित हो जाते हैं तो ये आपको मजाक ही लगेगा या फिर आपको अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, हकीकत में एक ऐसा स्थान है जहां अगर मरे हुए व्यक्ति के शरीर को ले जाया जाए तो उसकी आत्मा उसके शरीर में पूर्ण प्रवेश कर लेती है। यह तो हम सभी जानते हैं, जन्म और मृत्यु अटल सत्य है। इन्हें सिक्के के दो पहलू भी कहा जाता है। जन्म के बाद मृत्यु होना तो निश्चित है। कहते हैं आत्मा एक बार जिस शरीर को छोड़ देती है तो उसमें पूर्ण प्रवेश नहीं करती, वह अपने लिए एक नए शरीर की तलाश करती है। इसलिए मृत्यु के बाद किसी का वापस लौट कर आना असंभव है, लेकिन ईश्वर के चमत्कार के आगे प्रकृति को भी झुकना पड़ता है। जन्म और मृत्यु इन दोनों पर ईश्वर का अधिकार है। ये गाँव देहरादून से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लाखा मंडल नामक स्थान यमुना नदी के तट पर वीरनीगढ़ नामक जगह से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से स्थान की ऊंचाई लगभग 13,072 मीटर है। बिल्कुल लुभाने वाली यह जगह गुफा और भगवान शिव के मंदिर के प्राचीन अवशेषों से भरी हुई है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में अगर किसी शव को इन द्वारपालों के सामने रखकर मंदिर का पुजारी उस पर पवित्र जल छिड़के तो मरा हुआ व्यक्ति कुछ समय के लिए पूर्ण जीवित हो उठता है। जीवित होने के बाद वह भगवान का नाम लेता है और उसे गंगा जल प्रदान किया जाता है। गंगा जल प्रदान करते ही फिर उसकी आत्मा शरीर त्याग कर चली जाती है। लेकिन इस बात का रहस्य क्या है आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस मंदिर के पीछे दो द्वारपाल स्थित हैं, जिसमें से एक का हाथ कटा हुआ है। अब ऐसा क्यों है, ये बात आज तक एक रहस्य बन चुकी है। ये थी SM News रिपोर्ट।